गुड मॉर्निंग बडीज, दिस इज़ वेंकट बडी। बैंकिंग स्पेशल करेंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंगे 10th, 11th एंड 12th मई का करेंट अफेयर्स रिवीजन, जो कि रहेगा एमसीक्यू फॉर्म में। शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहूँगा। पिछले वीडियोस में मेरे बहुत लोगों ने डिसलाइक किया था, तो जो लोग भी आप लोग डिसलाइक करते हो, तो मुझे आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग डिसलाइक जो कर रहे हो उसका कारण क्या है वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दो। आप लोगों से मेरी यह हाथ जोड़ के विनती है ताकि मैं उसको सुधार कर सकूं और आगे और भी बेहतर कर सकूं। तो ये मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से, प्लीज़। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर किए हुए। आज हमारा पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर रमेश पोखरियाल हैज़ मेड अमेंडमेंट इन प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप स्कीम टू बूस्ट रिसर्च इन द कंट्री। हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ स्टेट HRD मिनिस्ट्री? तो आंसर विल बी संजय धोत्रे। देखिए, इसमें ये क्वेश्चन आपसे इससे ये भी पूछ सकता है कि हमारे यूनियन ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर कौन है, ठीक है? तो वो होगा आपका रमेश पोखरियाल। नेक्स्ट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स हैज अमेंडेड रूल 44G ऑफ इनकम टैक्स रूल्स 1962 रिसेंटली। हु इज द चेयरमैन ऑफ CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का चेयरमैन कौन है? तो आंसर विल बी PC मोदी। देखिए यहाँ पे है इनका फोटो, ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिक्किम गवर्नमेंट हैज़ पास्ड द बजट कॉम्प्राइजेस ऑफ रीज 9100 करोड़ फॉर फिस्कल ईयर 2021। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम? सिक्किम का चीफ मिनिस्टर कौन है? और आंसर विल बी प्रेम सिंह तमंग। तो देखिए यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिक्किम गवर्नमेंट ने कितने बजट पास किए हैं, तो ये होगा आपका 9100 करोड़, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च इंडियाज बिगेस्ट इवैक्यूएशन प्लान टू ब्रिंग बैक इंडियन सिटीजन्स स्ट्रैंडेड इन फॉरेन कंट्रीज। व्हाट इज द नेम ऑफ द मिशन? तो कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कौन सा इवैक्यूएशन प्लान चलाया गया है जिससे कि जो बाहर के देशों में हमारे असहाय मजदूर और सिटीजन्स लोग हैं उनको ले आया जा सके भारत वापस? तो इसका नाम है वंदे भारत मिशन, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इंडियन मेट्रो सिटी हैज़ रजिस्टर्ड द हाइएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर इन अकॉर्डिंग विद द स्टडी बाई इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया? इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन इंडिया की तरफ से एक रिपोर्ट आया है जिसमें कि कौन सा मेट्रो सिटी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है आपका इंटरनेट यूज़ होता है। आंसर विल बी मुंबई, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे डिटेल्स है, ये डिटेल्स आप लोग ज़रूर पढ़िएगा थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके। मैं बार बार आपको बोलता हूँ अगर आपको इससे दूसरा कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कर पाओ। नेक्स्ट, फॉर 40th एनिवर्सरी ऑफ इरेडिकेशन ऑफ विच डिजीज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन पोस्टल एजेंसी हैज़ रिलीज्ड द कॉमोमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प। 40th एनिवर्सरी, 40वां एनिवर्सरी कौन सा बीमारी जो इसका को पूरे ख़त्म करने के कारण जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने एक पोस्टल स्टैम्प जारी किया है, ये है आपका स्मॉल पॉक्स, ठीक है? चलिए, जिसको कि हम लोग स्मॉल पॉक्स को जो हम लोग मतलब ऐसे आम भाषा में हमारे भारत में जिसको कि छोटी माता भी कहा जाता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ रेज्ड द एस्टिमेटेड ग्रॉस मार्केट बोरोइंग ग्रोथ फॉर FY21 एज पर द बजट एस्टिमेट्स फ्रॉम 7.80 लाख करोड़ टू। तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कितना ग्रॉस मार्केट की तरफ से बोरोइंग मतलब उधार का व्यवस्था किया गया है? तो ये है आपका 12 लाख करोड़, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन लॉन्च रूपी डैश फीचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट ऑन टू इंटरनेशनल एक्सचेंज नेमली इंडिया INX BSE एंड NSE IFSC, ठीक है? तो आंसर विल बी डॉलर। नेक्स्ट, वट इज़ द रिवाइज इंडियाज GDP एस्टिमेट्स फॉर फिजिकल ईयर 21 एज पर US बेस्ड गोल्डमैन सैचे ग्रुप? गोल्डमैन सैचे ग्रुप ये एक US बेस्ड कंपनी है, गोल्डमैन सैचे ग्रुप, इसके द्वारा जो
इंडिया का जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट किया गया है वो कितना है, वो आपका -0.4%। ये थोड़ा सा चिंता वाली बात है, माइनस पे जाना हमारे जीडीपी ग्रोथ का। एक्चुअली ये जो आपका कोरोना वायरस के चलते जो लॉकडाउन हुआ, इसके चलते पूरे वर्ल्ड जीडीपी ही शायद इस बार माइनस में जाने वाला है, ऐसा प्रेडिक्शन किया गया वर्ल्ड बैंक द्वारा भी। तो देखते हैं हम लोग क्या कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेम द कंपनी व्हिच हैज साइंड कॉन्ट्रैक्ट वर्थ 1200 करोड़ विथ डिफेंस मिनिस्ट्री फॉर फेज टू ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर MAFI ऑफ 37 एयरफील्ड ऑफ IAF। बोल रहे ये कंपनी का नाम बताते हैं जिसको कि कॉन्ट्रैक्ट मिला है 1200 करोड़ का, जिसमें कि जो एयरफील्ड होगा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा या एयरपोर्ट्स का, उनको मॉडर्नाइज किया जाएगा। ये आपका टाटा पावर, ठीक है। नीचे यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, इसको पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द इंडियन क्रिकेटर हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी एल्सा क्रॉप। कौन सा इंडियन क्रिकेटर को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है का एल्सा क्रॉप एजुकेशन टेक्नोलॉजी एल्सा क्रॉप के द्वारा, ये आपका अजिंक्य रहाणे, ठीक है। इसको आप लोग जानते हैं, इंडियन क्रिकेट प्लेयर है, ओपनर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग हैज प्रेजेंटेड द अवार्ड टू द विनर ऑफ स्टार्टअप इंडिया एनिमल हस्बेंड्री ग्रांट चैलेंज रिसेंटली। हु इज द प्रेजेंट मिनिस्टर फॉर द एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री कौन है? आंसर विल बी गिरिराज सिंह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द US बेस्ड कार्लाइल ग्रुप हैज एक्वायर्ड 74% स्टेक इन विच एमोंग द फॉलोइंग इंडियन एनिमल हेल्थ केयर कंपनी फॉर 1587 करोड़ रिसेंटली। US का कंपनी है कार्लाइल ग्रुप, इसने 74% स्टेक मतलब स्टेक जो है हिस्सा जो है वो खरीदा है इंडियन कौन सी हेल्थ कंपनी में, ये है आपका सीक्वेंट साइंटिफिक लिमिटेड। नेक्स्ट, UK's GlaxoSmithKline has sold its 5.7% stake in which company for 3.35 billion in May 2020। UK का जो GlaxoSmithKline कंपनी है जो कि मेडिसिन बनाते हैं, ये अपने 5.7% स्टेक जो है हिस्सा जो है 3.35 बिलियन के से किसको बेचा गया है, ये है आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नैनोसेफ सॉल्यूशन द स्टार्टअप इन विच इंडियन IIT हैज डेवलप्ड एंड लॉन्च एंड एंटी माइक्रोबियल एंड वॉशेबल फेस मास्क एनसेफ। ये है आपका नैनोसेफ सॉल्यूशन, ये एक स्टार्टअप है और IIT के द्वारा, कौन सा IIT के द्वारा मिलकर ये एक फेस मास्क बनाया गया है जिसको कि आप धो सकते हैं, ठीक है, यूज करने के बाद। ये है आपका IIT दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च हैज रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI फॉर क्लिनिकल ट्रायल ऑफ व्हिच ड्रग टू ट्रीट COVID-19 रिसेंटली। काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के द्वारा अप्रूवल मिला है, ये कौन सा मेडिसिन है जिस जो कि COVID-19 में ट्रीटमेंट किया जा सके, ये है आपका बोथ 1 and 2 फेविपिराविर एंड फाइटोफार्मास्यूटिकल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल फाइंडिंग फ्रीडम हैरी एंड मेगन एंड द मेकिंग ऑफ ए मॉडर्न रॉयल फैमिली। किन्होंने जो है ये बुक लिखा है फाइंडिंग फ्रीडम हैरी एंड मेगन एंड द मेकिंग ऑफ ए मॉडर्न रॉयल फैमिली, ये है आपका बोथ 1 and 2 ओमिड स्कोबी एंड इमैनुअल जॉनसन, सॉरी कार्लियन डुरैंड 1 and 3 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द टाइम ऑफ रिमेम्बरेंस एंड रिकॉन्सिलेशन फॉर दोज हु लॉस्ट देयर लिव्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू इज ए सेकेंड डे इंटरनेशनल इवेंट ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन। ये आपका जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिन्होंने अपना जीवन मतलब लाइफ दे दिया था उनके रिमेम्बरेंस में एक डे ये मनाया जाता है। तो ये कौन सा डे है, ये आपका May 8 और May 9, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
द इंटरनेशनल माइग्रेटरी बर्ड डे फॉर द ईयर 2020 वॉज ऑब्जर्व ऑन मे 9. वट इज द थीम फॉर द इंटरनेशनल माइग्रेटरी बर्ड डे. ठीक है, माफी चाहूँगा. माइग्रेटरी इंटरनेशनल माइग्रेटरी बर्ड डे का जो है आपका थीम कौन सा है ये पूछा गया है. ये आपका बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. व्हाट इज द नेम ऑफ द मिशन लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री कोलैब टू सेंड मेडिकल एड टू 5 आइसलैंड नेशन इन द इंडियन ओशन. कौन सा मिशन है जिसके तहत की जो है 5 आइसलैंड है जो इंडियन ओशन में उनको जो है मेडिकल आपका चीज़ें मेडिकल की चीज़ें भेजे जाएंगे. ये है आपका आंसर मिशन सागर. इसके तहत जो है यहाँ पे देख सकते हैं ये 5 जो है आइलैंड है मालदीव सीशेल्स मॉरिशस कोमोरोस आइसलैंड और मडागास्कर. इनको जो है मेडिकल किट्स मेडिकल की चीज़ें जो है एडिट जो है सामान उनको भेजे जाएंगे. नीचे ये अच्छे से डिटेल है इसको क्या क्या भेजे जाएंगे इसमें थोड़ा लिखा हुआ है ये आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैज सेट अप अ 6 मेंबर पैनल रिसेंटली टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू द फॉल इन क्रूड ऑयल प्राइस. हु इज द प्रेजेंट पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर. ठीक है, नेचुरल गैस पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर कौन है. ये है आपका धर्मेंद्र प्रधान. ठीक है, देख लीजिए अगर अच्छे से पहचान लीजिए. फोटो देने का कारण यही है कि आप लोग जो है पिक्चर के साथ आंसर को रिलेट करके उसको याद रख सके या आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए. अब मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप जहाँ से भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं उसको छोड़ दें. आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं उसको डिटेल से पढ़िए. ये वीडियोज़ आप 2-3 बार देख लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. 20 से 22 मिनट का वीडियो रहता है. आप देखिएगा आपको ये सारे MCQs अच्छे से याद हो जाएंगे. ठीक है, और अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों से भी इसके बारे में बताइएगा. आपको सारे पेड कंटेंट इसमें मिल जाएंगे. पेड कंटेंट के MCQs जो होते हैं आप एक बार मिला के देखिएगा. मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा. तो आप देखिएगा कि आपको बहुत सारे लगभग 95% क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे सारे पेड के. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द न्यू दिल्ली बेस्ड नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट हैज़ लॉन्च अ वर्चुअल प्रोग्राम कॉल्ड NGMA के संग्रह से. द NGMA फंक्शंस अंडर व्हिच मिनिस्ट्री. तो ये एक नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है, इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है. तो इसके ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विथ विच ऑर्गेनाइजेशन द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हैज़ पार्टनर टू डिलीवर COVID-19 टेस्ट किट्स. कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हाथ मिलाया है ताकि COVID-19 टेस्ट किट्स उनको सप्लाई कराया जा सके. ये है आपका इंडियन पोस्ट. नेक्स्ट, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्राइफाइड साइन MOU विथ विच ऑर्गेनाइजेशन टू कोलैबोरेट इन प्रोग्राम ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोमोट द ट्राइबल एंटरप्राइज. ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट ने किसके साथ जो है कोलैब किया है. ठीक है, ये है आपका आर्ट ऑफ लिविंग. नेक्स्ट, नेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड हु हैज प्रेजेंटेड अ स्टेट बजट ऑफ रिस 21,049.87 करोड़ फॉर द फिजिकल ईयर 2021. तो चीफ मिनिस्टर का नाम बताएं नागालैंड का, ये आपका निप्यू रियो. ठीक है, और ये स्टेट बजट भी आपसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी पूछ सकता है घुमा के. तो अच्छे से थोड़ा देख लीजिएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री व्हिच प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ बेड्स विद वेंटिलेटर्स इन हॉस्पिटल ऑफ ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट. हमारे इंडिया में कौन सा स्टेट है जिन्होंने कि हर डिस्ट्रिक्ट में हर जिले में जो है आपका बेड प्रोवाइड कराया विद वेंटिलेटर्स एवरी हॉस्पिटल में. और ये है आपका उत्तर प्रदेश. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नरेंद्र ध्रुव बत्रा टू कंटिन्यू एज ए प्रेसिडेंट टिल मे 2021 एट इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ व्हिच स्पोर्ट्स. नरेंद्र ध्रुव बत्रा को कौन से
स्पोर्ट्स फेडरेशन में चुना गया है प्रेसिडेंट, ये है आपका हॉकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द इंडियन हु हैज़ बीन कन्फर्ड विथ डच वेल फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 अमंग विथ 17 जर्नलिस्ट फ्रॉम 14 कंट्रीज। इंडिया का कौन से इंडियन है जिसको कि ये अवार्ड मिला है और भी लोगों के साथ, और भी 17 जर्नलिस्ट के साथ। ये है आपका सिद्धार्थ भरद जान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी हैज़ डेवलप्ड द फर्स्ट इंडिजिनस ह्यूमन टेस्ट किट नेम कोविड कवर एलिसा फॉर एंटीबॉडी डिटेक्शन ऑफ कोविड 19। वेयर इज NIV लोकेटेड। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने एक टेस्ट किट तैयार किया है कोविड कवर एलिसा, जो कि एंटीबॉडी डिटेक्शन है कोविड 19। ठीक है, तो ये कहाँ पे स्थित है? ये है आपका पुणे में स्थित है। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि कोविड कवच एलिसा को किसने बनाया है, तो ये आपका आंसर होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि नीचे जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ा सा एक बार वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच लेबोरेटरी ऑफ DRDO हैज़ हैंडेड ओवर द मोबाइल कोविड 19 टेस्टिंग लैब नेम्ड परख टू मैसूर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। कौन से लेबोरेटरी DRDO का है जिन्होंने एक कोविड 19 टेस्ट लैब जो है परख नाम से, उसको मैसूर मेडिकल कॉलेज को दिया है? तो ये है आपका डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द ऑटोमेटेड कॉन्टैक्टलेस अल्ट्रावायोलेट सी सैनिटेशन कैबिनेट डिजाइन टू सैनिटाइज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स करेंटली नोट्स एक्सेट्रा बाय हैदराबाद बेस्ड रिसर्च सेंटर इमारत ऑफ DRDO। तो बोल रहा है कि ये कौन सा रिसर्च सेंटर है जिन्होंने कि एक कैबिनेट तैयार किया जिसमें कि आप जैसे गैजेट्स, जैसे मोबाइल हो गए, पैसे हो गए, कोई घड़ी हो गई, तो अगर आप बाहर से आते हैं तो इस कैबिनेट में रखने से वो डिसइनफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सैनिटाइज करने के, जैसे हम लोग सैनिटाइजर से हाथ को सैनिटाइज करते हैं, वैसे ही ये आपके छोटे मोटे सामान जो है उसको सैनिटाइज करेगा। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका ध्रुव्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विथ विच कंपनी द ICMR टाइज अप टू डेवलप फर्स्ट फुल्ली इंडिजिनस कोविड 19 वैक्सीन बाई यूजिंग द वायरस स्ट्रेन आइसोलेटेड एट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। ICMR का कौन सा कंपनी है जिन्होंने कि पूरे, मतलब इंडिया में ही पूरे तरीके से वैक्सीन को तैयार करने का बोला है, जो कि जो है वायरस का जो है उसी को लेकर के थोड़ा सा और उसी से जो है बनाया गया है? ये है आपका भारत बायोटेक। ठीक है, इनके द्वारा जो है कोविड 19 वैक्सीन डेवलप किया गया, अभी अंडर ट्रायल में है। देखिए क्या होता है, जितना जल्दी बन जाए हमारे लिए अच्छा है, तो फिर हम लोग आगे निकल पाएंगे सही से और एग्ज़ाम वगैरह भी हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द कंट्री व्हिच हैज़ अप्रूव्ड अ मल्टी इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट थ्रू इट्स NMITLI प्रोग्राम टू डेवलप ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज दैट कैन न्यूट्रलाइज SARS CoV-2 इन पेशेंट्स। बोले कौन सा देश है जिन्होंने ये अप्रूव किया है एक प्रोग्राम को जिसका नाम है NMITLI प्रोग्राम, जिसके तहत जो है वो एंटीबॉडीज जो है वो SARS कोविड पेशेंट पे न्यूट्रलाइज किया जाए? ये है आपका इंडिया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI हैज़ फॉर्म्ड ए 6-member कमिटी टू प्रिपेयर SOP फॉर रिजम्पशन ऑफ स्पोर्ट्स कोचिंग एंड एक्टिविटीज। निम्न पर्सन हु हेड्स द कमिटी। ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा एक कमिटी बनाया गया है जो कि ये ध्यान दे रहा है कि कैसे फिर खेल को और ये सब चालू किया जाए, प्रैक्टिस ये सब चालू किया जाए। तो इस कमेटी का हेड कौन है? ये है आपका रोहित भारद्वाज। ठीक है, ये इनका फोटो है, इसको देख लीजिएगा, पहचान लीजिए अच्छे से, और नीचे
थोड़ा सा डिटेल है, इसको पढ़ लीजिएगा, ये कौन से पोस्ट में है ये सब है यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द पर्सन हु ऑथर्ड द बुक टाइटल फियर ऑफ गॉड अंडर पिन नेम वधान। उस पर्सन का नाम बताएं जिन्होंने कि ये बुक लिखा है, फियर ऑफ गॉड अंडर पिन नेम वधान, मतलब वो कि जो बुक लिखते हैं उसमें उनका नाम वधन है। नेक्स्ट आंसर है आपका बोमा बोम्मा देवरा साई चंद्र वदन, ठीक है। ये है उनका नाम, थोड़ा सा बड़ा है, ये साउथ के है, नाम अगले सुनने से पता लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरिशंकर वसुदेवन हु पास्ड अवे रिसेंटली इज ए रिनोन्ड। हरिशंकर वसुदेवन जिनका अभी भी हाल ही में डेथ हुआ है, वो क्या करते हैं, मतलब किससे संबंधित है, ये आपका हिस्टोरियन, ठीक है। ये अच्छे से देख लीजिए, इनको पहचान लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेशनल टेक्नोलॉजी डे वॉज ऑब्जर्व ऑन डैश एवरी ईयर टू कमोमोरेट द सक्सेस ऑफ शक्ति वन न्यूक्लियर मिसाइल टेस्टेड इन पोखरण। ये नेशनल टेक्नोलॉजी डे को मनाया जाता है किस लिए, मतलब पहले तो पूछ रहा है आपको कौन से डेट में मनाया जाता है, और यह बोल रहा है किस लिए मनाया जाता है, जो शक्ति वन न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था हमारे इंडिया के द्वारा पोखरण में, उसी को याद करते हुए ये डे मनाया जाता है। ये है आपका मई 11, ठीक है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे मई 11 को मनाया जाता है। नीचे थोड़ा सा डिटेल है कैसे किस लिए कब, यहाँ पे पूरे डिटेल है, अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन आपके ऐसे नहीं आते हैं जैसे मैं मान लीजिए दे रहा हूँ, ये घुमा के पूछते हैं, तो क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन रहता है, तो अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिया साइंटिस्ट हैज फाउंड 3 न्यू स्पीसीज ऑफ फिशेस अंडर विच जीन्स इन इन वेस्टर्न घाट्स रिसेंटली। वेस्टर्न घाट की तरफ 3 टाइप के स्पीसीज मतलब मछली के जो है प्रजाति पाए गए हैं। ये है आपका डॉकिंशिया, ठीक है। इसके तहत जो ये कुछ फिशेस जो है इसके टाइप पाए गए हैं, ठीक है। चलिए शायद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आप लोग का साथ ऐसे ही बना रहे, मैं आगे और भी वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। चलिए जय हिंद।